हाँ, बहुत तकलीफ की बात है और यकीन नहीं होता कि वो हमारे बीच नहीं रही। कल तक वो बिल्कुल ठीक लगती थी, ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी चली जाएंगी। एक सेकुलर शख्सियत थी, इंसान इंसान में तमीज़ नहीं करती थी, और आज के हालात में जितनी ज़रूरत शीला जी की थी शायद इससे पहले नहीं थी। वो हमारे दिलों में हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेंगे। सर रोल एक से जाओ। सर राजनीति को कितनी शक्ति मानती है? एक हाथ छुरो नहीं यार, बड़ा गहरा सदमा लगा है अचानक जाना, एक बहुत बड़ी क्षति केवल कांग्रेस पार्टी को या दिल्ली के लिए नहीं पर भारत की राजनीति को है। शीला जी का एक अपना व्यक्तित्व था, एक बड़े कदावर नेता थी देश की, उनमें एक मातृत्व का प्रेम था, संवेदनशील थी और मानवता की पुकार सुनती थी। और दिल्ली का जो बड़ा परिवर्तन उनके कार्यकाल में हुआ उसको आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी। मैं ये कह सकता हूँ हम लोगों के लिए जिन्होंने दशकों उनके साथ काम किया है, एक वो बड़ी बहन की तरह थी, और हमको बहुत दुख है कि वो इस समय जब ऐसे एक नेता की दिशा की और प्रेरणा की ज़रूरत थी वो चली गई। थैंक यू सर। कितना क्षति मानते हैं सर? क्षति तो बहुत है देश के लिए, दिल्ली के लिए, कांग्रेस के लिए, लेकिन मेरे लिए तो निजी तौर पर ये एक क्षति है, क्योंकि मैं शीला जी को तब से जानता हूँ जबकि मैं विद्यार्थी बनकर दिल्ली विश्वविद्यालय में दखल हुआ 1958 में। तब वो शीला खन्ना हुआ करती थी, तो उस ज़माने से मैं उनको जानता हूँ। तो आज तो एक बहुत बड़ा धक्का मिला जबकि पता लगा कि मेरी ज़िंदगी के आग का एक हिस्सा गिर गया है। तो खैर, जो भगवान देते हैं वो देते जाते हैं, तो हमें बस हमारा कर्तव्य अब ये बनता है कि जिस तरीके से शीला जी ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभालने में, तो उसी जोश के साथ और उसी सुदृढ़ता के साथ हमें काम करना है और कांग्रेस को पुनः जीवित करना है। थैंक यू सर। अरे चलो पढ़ना।